Good morning, student. Today we are discussing the topic Newton's law of motion. Yeah, law of motion ke bare mein baat karte hain. So we all know that there are three law of motion given by the Newton, which is also known as Newton's law of motion. So Newton's first law of motion, it is also known as law of inertia. इसको हम लोग law of inertia के भी नाम से जानते हैं. तो ये हम क्या आता है law of motion, the Newton's first law of motion. And second topic is the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion is also known as law of force. क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स को डिफाइन करते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं. एंड थर्ड इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जानते हैं एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से. तो याद रखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं. अब कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं. जैसे लॉ ऑफ एनर्जिया की बात करें अगर, तो एनर्जिया सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एनर्जिया क्या होता है. तो एक टॉपिक हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि एनर्जिया क्या है. तो यहाँ देखेंगे हम बात करते हैं एनर्जिया. एंड मास इस टॉपिक की बात करते हैं. क्योंकि एनर्जिया क्या होता है और मास क्या होता है. तो याद रखें आप लोग, अगर मान लेते हैं दो बॉडी हैं आपके पास, दो स्फीयरिकल बॉल है, एक का मास ज्यादा हो बड़ा हो और दूसरे का मास कम हो, और हम इन दोनों को रोल कराएं, अगर इन दोनों को हम लोग रोल कराते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि जो छोटा स्फीयर होगा वह लॉन्ग डिस्टेंस तक रोल करता है, और जो बड़ा स्फीयर होता है वह शॉर्ट डिस्टेंस तक रोल करता है और स्टॉप हो जाता है. तो इससे एक कंक्लूजन्स निकल कर जाते हैं. इससे ये पता चलता है कि अगर कोई बॉडी जिसका वेट ज़्यादा है वह अपने स्टेट ऑफ चेंजिंग का यानी कि मोशन का ज़्यादा अपोज करता है. जैसे आपने बड़े वाले स्फीयर को देखा तो उसने क्या किया, अपोज किया और पहले ही रुक गए, अपने मोशन का अपोज किया. लेकिन उसी की जगह पे जो छोटा बॉल था उसका मास कम था, तो उसने क्या किया और दूर तक ले गया, यानी कि वह अपोजिशन यानी कि जो आपने स्टेट में चेंजिंग किया था उसका वह कम अपोज कर पाई, जिसके कारण उसको ज़्यादा दूर तक जाना पड़ा. तो एनर्जिया है क्या चीज़, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये ध्यान में रहे एनर्जिया किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट में चेंजिंग का अपोज करती है. यानी कि एनर्जिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अपोजेस एनी चेंज इन देयर स्टेट. यानी कि अपने स्टेट में चेंजिंग का क्या करती है, अपोज करती है, उसको हम लोग एनर्जिया के नाम से जानते हैं. और मास क्या होता है ये भी ध्यान रखें, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वह जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके बनता है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ है तो लकड़ी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी. तो उनके अमाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं. और एनर्जिया जो होता है मास को ही मेजर करता है.
यानी कि मास के कारण ही किसी बॉडी में एनर्जी होती है, ज्यादा मास है तो एनर्जी ज्यादा